हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी फ्रेंड श्रद्धा। दोस्तों, आज मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए एक शाम की बेहद चटपटी नाश्ते की रेसिपी लेके। तो आप देखिएगा आपको रेसिपी कैसी लगती है। तो रेसिपी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक बर्तन में बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर, खीरा और एक उबला हुआ आलू ले लेंगे। तो उबले हुए आलू को भी हमें बारीक काट लेना है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने एक उबला हुआ आलू बारीक काट लिया है। अब हम इसे प्याज, टमाटर और खीरे में ऐड कर देंगे। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच आम और पुदीने की चटनी जो हम बनाते हैं अपने घरों में वो। तो यहाँ पे हम 2 बड़े चम्मच आम और पुदीने की चटनी को ऐड कर देंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे भुना हुआ जीरा, कुटी हुई काली मिर्च, चिली फ्लेक्स, चाट मसाला और नमक। तो दोस्तों देखिए, नमक हमें यहाँ पे थोड़ा हिसाब से डालना पड़ेगा क्योंकि चटनी में भी नमक है। हम आगे बटर यूज़ करेंगे, बटर में भी नमक रहेगा और हम टोमेटो सॉस भी यूज़ करेंगे तो उसमें भी नमक रहेगा। तो आप इस समय नमक थोड़ा हल्का डालें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो दोस्तों देखिए, रेसिपी बहुत ही अच्छी होती है और झटपट बन के रेडी भी हो जाती है। और आप इस रेसिपी की सबसे अच्छी बात क्या है कि आप इसे दिन के किसी भी टाइम में बना के खा सकते हैं। आप ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं, लंच बनाने का मन नहीं है तो आप सिंपल सी ये रेसिपी बना के लंच में खा सकते हैं। डिनर बनाने का मन नहीं है तो आप इसे डिनर में भी बना सकते हैं। तो मैं तो इसे शाम में बना रही हूँ अपने बच्चों के लिए, तो आप इसे दिन के किसी भी टाइम पर बना के ट्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए, सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम लेंगे एक रोटी, और आप बची हुई रोटी यूज़ कर सकते हैं, फ्रेश रोटी बना के यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरे पास लंच की रोटी पड़ी हुई थी तो वो मैं शाम को इसका ये रेसिपी मैं बना रही हूँ। तो ये देखिए, रोटी मैंने ले लिया है। इस पर हम अच्छे से मक्खन लगा लेंगे और उसके बाद हम इस पर लगाएंगे 1 चम्मच टोमेटो सॉस। उसे भी हम अच्छे से फैला देंगे पूरे रोटी पे। फिर उसके बाद हम इस पर जो हमने सब्जी की जो स्टफिंग बनाई है वो स्टफिंग लेके इस पर अच्छे से लगा लेंगे। तो ये याद रखिए, हमें स्टफिंग इस पर फैलाना नहीं है, बस एक साइड में, रोटी के एक साइड में लगाना है। तो देखिए, मैं यहाँ लगाऊंगी, आप देख लीजिए। तो इस तरह से देखिए, हमें रोटी के एक साइड में ये स्टफिंग लगा लेनी है। अब हम इस पर ऐड करेंगे ग्रेटेड चीज़, और अगर आपके पास चीज़ नहीं है तो आप पनीर यूज़ कर सकते हैं। अगर पनीर और चीज़ दोनों ही नहीं है तो आप इसे बिना पनीर और चीज़ के भी बना सकते हैं। बच्चों को अच्छा लगता है इसलिए मैंने यहाँ पे चीज़ ऐड किया है। इसके बाद हम इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और अब हम इसे सेक लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने एक पैन गरम कर लिया है। आप चाहे तो तवा या पैन, जो भी यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। और अब हम इसे सेक लेंगे। तो यहाँ पे पैन गरम हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा मक्खन, और फिर इसके बाद हम वो जो रोटी हमने फोल्ड करके रखी है वो रोटी इसके ऊपर डाल देंगे। और फिर हमें इसे दोनों तरफ से सेक लेना है। तो अब हम क्या करेंगे, अब जो ये ऊपर वाला साइड है हम यहाँ पर भी थोड़ा सा मक्खन लगा लेंगे। तो देखिए, मैं इसे यहाँ मक्खन में बना रही हूँ, आप चाहें तो देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से लगा लेंगे मक्खन और इसे हम दोनों तरफ से अच्छा बढ़िया लाल हो जाने तक इसे सेक लेंगे। और अगर आप चाहें तो आप इसे तवे में बना सकते हैं, पैन में बना सकते हैं, या अगर आप सैंडविच मेकर में बनाना चाहें तो आप इसे सैंडविच मेकर में भी बना सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, कितनी जल्दी बन के तैयार हो गई ये रेसिपी। ज़्यादा हमें कुछ मेहनत भी नहीं करना पड़ा, और ये बच्चे हों या बड़े सभी को पसंद आती है ये रेसिपी। तो आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, अच्छी लगेगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और पास में बने हुए बेल बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे मेरी रेसिपी की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी आ सके। तो ये देखिए, मैंने रेडी कर लिया है। तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी लगी, और अपने बच्चों को ज़रूर से ही बना के खिलाइएगा, उन्हें बहुत पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।